चार जनरल ऑफ इंडिया हैं, ये लोग की जिम्मेदारी है सेंसस कराने की, जनगणना कराने की। इनके पास 10 साल तक कोई काम नहीं होता, 10 साल तक यही काम होता है कि पुराना जो डेटा कलेक्ट किया उसको किस तरह से प्रोसेस करें और आगे जो हमें करना है डेटा कलेक्शन उसकी कैसे तैयारी करके रहें। ठीक है, जो 2021 की जनगणना नहीं हुई उसका कारण था कोविड। 2019 में इन्होंने उसके लिए काफ़ी कुछ तैयारियां कर ली थी, लेकिन जब कोविड आया तो इन्होंने उसको नहीं किया जनगणना। 2021 से पहले ही कोविड आ गया था, वो आगे बढ़ाते गए, डेट को आगे बढ़ाते गए। आज की डेट में कोविड को ख़त्म हुए काफ़ी टाइम हो गया है, सारी एक्टिविटीज़ चालू हो गई हैं, लेकिन जनगणना चालू नहीं हुई है। हर छः महीने पे ऐसे डेडलाइन बढ़ा रहे। जैसे मैंने आपको बताया था ना, CA जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था उसके रिलेटेड जो रूल्स बनने हैं कि किसको नागरिकता मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो रूल्स बनने हैं गवर्नमेंट उसको छः महीना, 3 महीना ऐसे कर करके लगातार बढ़ाए जा रही है। इस कारण से अभी तक CAA के रूल नहीं बन पाए हैं, इसलिए हमारे देश में कानून तो पास हो गया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, लेकिन वो लागू नहीं हो पाया है। किस तरीके से उसको लागू किया जाना है इससे रिलेटेड रूल्स ही नहीं बने। ठीक है ना, वापस जनगणना पे आते हैं। तो अगर आप देखेंगे अपने नोट्स में जो हमने सेकंड कॉलम में पीछे साइड में लिखा है इसमें कि 2021 की जनगणना में कितनी बार देरी हुई है, इसमें आप देखिएगा सबसे लास्ट पैराग्राफ कह सकते हैं, 2020 में जनगणना को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था, फिर सीमाओं को निर्धारित करने की तिथि पहले 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाई गई, फिर 31 दिसंबर 2021, फिर 30 जून 2022, फिर 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ाई गई। अब 31 दिसंबर 2022 के बाद इन्होंने फिर इसको बढ़ा दिया है 30 जून 2023 तक। तो आज मैं अगर यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, ये आपका लिखा हुआ है सेकंड पैराग्राफ में ही, इस पूरे नोट्स के सेकंड पैराग्राफ में देखिए लिखा हुआ है कि जून को डेट को 2 जनवरी को जो नोटिस आई है उसके आधार पर 30 जून को तक बढ़ा दिया गया है। ये सीमाओं को निर्धारण करने का मामला क्या है? मामला ये है कि 2011 में मान लीजिए कोई जनसंख्या जनगणना हुई है ना, उसमें आपने देख लिया हमारे देश में इतने जिले हैं, इतने सब डिस्ट्रिक्ट हैं, इतने गांव हैं, आपने डेटा कलेक्ट किया, लेकिन उस दिन से लेके आज तक बहुत सारे नए जिले घोषित हुए होंगे, उप जिलों की संख्या में बदलाव आया होगा, गाँव की संख्या में बदलाव आया होगा। तो जब बदलाव आता है संख्या में कि ये जिला हो गया, इसको नया जिला बना दिए, तो उसकी सीमा निर्धारण की जाती है कि यहाँ से यहाँ तक ये जिला है, यहाँ से यहाँ तक ये जिला है। मान लीजिए 2 बड़े जिले थे, उसमें से इन्होंने 10 सालों में चेंजेस देखे तो 3 जिले बना दिए, तो बीच में जो एक जिला बना आधा इधर से लेके आधा इधर से लेके, उसकी भी एक सीमा निर्धारित होगी ना। तो जनगणना का नियम है जो कानून कहता है वो ये कहता है कि एक पर्टिकुलर डेट पे आपको सीमा का निर्धारण स्टॉप कर देना है, बोलना है कि आज जो सीमा निर्धारित है इसके बाद अब सीमा निर्धारण नहीं होगा, यहीं पर हमने फ्रीज कर दिया है। तो ये जो डेट बढ़ाई जा रही है ना, ये सीमा के निर्धारण की डेट बढ़ाई जा रही है, जो अभी 30 जून 2023 तक जो डेट बढ़ाई गई है वो सीमाओं के निर्धारण की डेट बढ़ाई गई है कि ये जिला कहाँ तक आता है, ये तहसील की सीमा क्या है, ये गाँव की सीमा क्या है। इसको इन्होंने बोला कि आप 30 जून 2023 तक इस काम को करते रहो, लेकिन 30 जून 2023 के बाद आगे नहीं करोगे, ये आपकी लास्ट डेट है। और जनगणना का नियम है कि सीमाओं के निर्धारण के कम से कम 3 महीने के बाद जनगणना स्टार्ट होगी। जिस चुनाव करा रहे होंगे तो यही लोग जनगणना कहाँ से करेंगे। तो अल्टीमेटली आपको साफ साफ दिख रहा है कि 2024 तक जनगणना का डेटा हमारे पास कुछ नहीं आना है, वही 2011 के डेटा के हिसाब से हमें काम चलाना है। तो अब समझिए कि जनगणना की जो बिहार में जातीय जनगणना हो रही है या नॉर्मल जनगणना हो रही है, उसकी नीड सबसे पहले तो ये है कि एक जनगणना तो होनी चाहिए। जातीय हो जातीय ना हो वो अलग मैटर है, लेकिन जनगणना तो रिक्वायर्ड है ना। अगर बिहार सरकार को अपने फंड से कुछ स्कीम बनानी है बिहार के निवासियों के लिए, तो एक डेटा हमारे पास अपडेटेड होना चाहिए। 2011 का डेटा तो हम लेके काम नहीं चला सकते, तो यहाँ पे ज़रूरत आ गई किस चीज़ की, जनगणना की। ये लेटेस्ट डेटा हमारे पास होना चाहिए। तो अगर कोई जस्टिफाई करने को बोले आपको कि जो जातीय जनगणना करा रहे हैं इसमें 500 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा आने वाला है, इसका क्या ही मतलब है जब केंद्र कराता ही है, तो आपको क्या ज़रूरत है। बात है कि केंद्र की जिम्मेदारी है कराने की, लेकिन इस बार केंद्र ने नहीं कराया और 2024 तक इसके होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। तो अगर 2024 तक जनगणना नहीं होगी तो हम किस डेटा के हिसाब से स्कीम्स बनाएंगे, और अगर 2011 के डेटा के हिसाब से हम स्कीम बनाते हैं तो 2023 में, 2024 में, 2025 में हम कैसे उस स्कीम का लाभ उन तक पहुंचा पाएंगे।
फूड सिक्योरिटी एक्ट का एग्जाम्पल हमने बताया आपको, आप चाहें तो कहीं डेटा में नोट कर सकते हैं इस चीज़ को कि 2011 में भारत की जनसंख्या जो थी वो 121 करोड़ थी। अगर 67% लोगों को भारत की जनसंख्या के फूड सिक्योरिटी एक्ट में कवर्ड माना जाए तो ये जनसंख्या आती है 80 करोड़, और ये ऑलरेडी कवर्ड है। लेकिन 2011 से 2021 तक रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो महापंजीयक कहलाता है, महापंजीयक जो है भारत के, उनके प्रोविजनल डेटा के हिसाब से ये जनसंख्या 2021 में 137 करोड़ हो गई। अब 137 करोड़ का अगर 67% निकालेंगे तो ये आएगा 92 करोड़। तो अगर हम केवल पुरानी स्कीम के हिसाब से 80 करोड़ लोगों को लाभ देते रहेंगे तो ये 12 करोड़ लोग हमारे छूट जाएंगे। यही हर स्कीम में होगा। तो कई ऐसे लोग हैं समाज के वंचित लोग जिन तक स्कीम का लाभ पहुंचना चाहिए लेकिन नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि फंड एलोकेशन जो होगा, जो कुछ भी डिपार्टमेंट का होगा, वो उस जनसंख्या के ध्यान में रख के होगा जो डेटा हमारे पास है, और वो डेटा हमारा पुराना है। तो इसलिए एक नवीनीकरण होना जरूरी है, नया डेटा आना जरूरी है। ठीक, शैक्षणिक स्थिति कैसी, क्योंकि रिजर्वेशन के लिए जरूरी है प्रूव करना कि आप सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड हो। अभी जो निकाय चुनाव कैंसिल हुए कि नहीं होंगे, यूपी में कैंसिल हो गए, बिहार में स्टे लग गया इसलिए चुनाव हो गए, नहीं तो ये भी कैंसिल ही हो गए थे, ये इसलिए हो जा रहे हैं क्योंकि आप नगर निकाय चुनाव में या नॉर्मल निकाय चुनाव में क्या कर रहे हो, आप ओबीसी को रिजर्वेशन दे दे रहे हो। लेकिन कोर्ट जब आपसे बोल रही है कि प्रूव करो कि ये सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़े हुए हैं, तो ये आप प्रूव नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पास कोई डेटा नहीं। तो जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा प्रूव करने के लिए कि पिछड़े हैं इसलिए हम आगे बढ़ा रहे हैं, तब तक कैसे आप कर पाओगे, है ना। तो इस टेस्ट में फेल होने के लिए जरूरी है कि हमारे पास डेटा हो जिससे कि आगे जब भी आप रिजर्वेशन रिलेटेड पॉलिसीज बनाएं तो उसको कोई चैलेंज ना कर सके, या चैलेंज भी कर दे तो आप उसमें करारी शिकस्त ना झेलनी पड़े आपको। यूपी में एग्जैक्टली अभी यही हुआ है, ठीक है ना। दूसरे को किडनैप कर लो, उससे जबरदस्ती वोटिंग ऐसी करवा लो, या फिर पैसे से खरीद लो, मतलब बहुत सारे दल बदल की चीजें थी। लेकिन जब 1985 में कानून आ गया एंटी डिफेक्शन लॉ, और फिर बोला गया कि अगर 2/3 से कम लोग जाते हैं दूसरी पार्टी में तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, तो इस पर एक रोक लग गई कि 2-4 आदमी को डरा के धमका के भी आप खरीद के भी अपने में मिला नहीं सकते। तो इस वजह से थोड़ी सी स्थिरता आई। 1990 में क्या हुआ कि मंडल कमीशन की जो सिफारिश थी वीपी सिंह गवर्नमेंट ने लागू कर दी रिजर्वेशन पे, ओबीसी को रिजर्वेशन मिल गया। तो उस समय इस लड़ाई के जो पुरोधा कई लोगों में, एक नाम लालू प्रसाद यादव जी का भी था, वहाँ से उनकी राजनीति आगे चमक गई, मंडल कमीशन की जो सिफारिशें थी लागू हो गई, बवाल बहुत हुआ, लेकिन ये हो गया भाई कि ये पिछड़ी जातियों के यही वो नेता हैं जिन्होंने रिजर्वेशन को दिलाया या उसकी वकालत की, तो रिजर्वेशन मिल गया। इस वजह से इनकी राजनीति चमकी, और जब वो आए तो उसके बाद लगातार ये जो अस्थिरता का टाइम चल रहा था, सरकार आई गई वो होना बंद हो गया, 5 साल फिर 5 साल फिर 5 साल वाला ट्रेंड शुरू हो गया। तो एक तरह से देखा जाए कि बिहार में राजनीतिक स्थिरता आई कैसे, तो वो आई मंडल कमीशन के टाइम पे, मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू होने के बाद। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो आपको नोट करके रखना है कि मंडल कमीशन ने भी जब सिफारिशें की कि ओबीसी का इतने प्रतिशत रिजर्वेशन होना चाहिए, उस समय भी उन्होंने डेटा कलेक्ट किया कि भाई किस डेटा के आधार पर बताएं कि कितने प्रतिशत होना चाहिए। तो उस समय उन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशों की जो रिपोर्ट है उसमें लिखा हुआ है कि 1931 के सेंसस के हिसाब से भारत में 52% ओबीसी जनसंख्या है। तो जो 1990 में जो स्कीम लागू की जाती है वो भी जिस सेंसस को अपने आधार बना रही है वो कब का है, 1931 का सेंसस। क्योंकि भारत में 1931 की जनगणना के बाद आज तक कभी भी जातिगत डेटा कलेक्ट नहीं किए गए, जाति जनगणना हुई नहीं। जो लास्ट जाति जनगणना भारत में हुई थी वो 1931 में हुई थी, उसके आधार पर मंडल कमीशन बता पाए कि देश में 52% ओबीसी हैं, और तब ये मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई कि 27% रिजर्वेशन दे दो, ठीक है ना। उसके बाद भी आज तक नहीं हुई है। तो जातीय जनगणना इसलिए भी जरूरी है देखने के लिए कि रिजर्वेशन जो दिया जा रहा है वो किस अनुपात में हो, किस जाति को कितना मिले, कौन सी जाति अंदर आनी चाहिए। मान लीजिए अदर बैकवर्ड कैटेगरी आपने बोला है ना, अदर बैकवर्ड, ओबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, अदर बैकवर्ड कास्ट। तो कुछ कास्ट अंदर आएंगी कुछ बाहर जाएंगी, जो समृद्ध हो गई सक्षम हो गई उनको बाहर निकालिए, जो पिछड़ी हुई है बाहर छूटी हुई उसको अंदर लाइए, है ना। ऐसा तो है नहीं कि ये जात है तो ये ओबीसी ही कहलाएगी, ये समय समय पर बदल सकता है ना भाई। जो जो पिछड़ी जातियाँ आज हैं
उनको अंदर करो, कुछ को बाहर करो, ये लिस्ट अपडेट होती रहनी चाहिए। लेकिन अपडेट कब होगी? जब आप उनका डेटा कलेक्ट करोगे ना कि इस जाति के लोग का ये एजुकेशनल बैकग्राउंड है, ये सोशल बैकग्राउंड है, ये नौकरी करते हैं, इनकी पर कैपिटा इनकम इतनी है, इस सारे डेटा के बेस पे ही तो आप अंदर बाहर करोगे। नहीं तो आप फिक्स कर दोगे जन्म जात इस जात का है तो ये रिजर्वेशन मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। समझ रहे बात को? इसलिए डेटा कलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी स्कीम को बनाने के लिए और बदलने के लिए। अब प्रॉब्लम क्या है, एक और अपडेट ये है कि EWS का जो रिजर्वेशन आया 10%, जिसको कोर्ट में चैलेंज किया गया और सबने उम्मीद की थी कि इसको कोर्ट खारिज कर देगी। क्यों खारिज कर देगी? क्योंकि जो इंदिरा साहनी जजमेंट में कोर्ट ने अपना एक रूल बनाया था कि रिजर्वेशन जो है नॉर्मल केसेस में 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता, उसको ये ब्रीच करता था, ये बढ़ा के 60% रिजर्वेशन हो गया। तो लोग मान के चल रहे थे कि इंदिरा साहनी जजमेंट के आलोक में इसको कैंसिल आउट, रूल आउट कर दिया जाएगा, यह रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन कोर्ट ने सरप्राइजिंगली इसको बरकरार रखा। अब बरकरार रखने से क्या हुआ कि जो 50% की लिमिट थी वो तो ब्रीच हो गई, वो 60 हो गई। तो जब लिमिट एक बार ब्रीच हो गई तो पॉलिटिकल पार्टीज में क्या है कि एक इंप्रेशन बन गया है कि रिजर्वेशन बढ़ाया जा सकता है। तो कोई बोल रहा है 60 को 65 कर दो, 5% इसके लिए दे दो, 2% इसके लिए दे दो, 68 कर दो, 70 कर दो, जिसकी जो मर्जी। क्योंकि रिजर्वेशन का जो प्रॉमिस है या रिजर्वेशन जो है राजनीतिक पार्टियों की संजीवनी है। राजनीतिक पार्टियां जो मर रही हो, खत्म हो रही हो, जो कुछ भी है, उनको रिजर्वेशन पकड़ा दो तो जाग जाती वहीं से। और रिजर्वेशन का देना बड़ा आसान है, जेब से कुछ देना नहीं पड़ता है। आप बोल दो ओबीसी को 27% रिजर्वेशन, तो क्या होगा? कुछ सीटें जनरल से कटेंगी, इनको मिल जाएंगी। EWS को भी 10% दे के आपने क्या दे दिया? कुछ नहीं दिया, सरकार की जेब से कुछ नहीं गया। जो जनरल की 50% सीटें होती थी उसमें 10 आपने दे दिया EWS को। इसका बच्चा सेलेक्ट हो चाहे उसका बच्चा सेलेक्ट हो, फर्क क्या पड़ता है? सरकार की जेब से तो कुछ नहीं गया। सरकार बोल रही है कि ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, आर्थिक आधार पे कमजोर हैं, आर्थिक रूप से कमजोर है, सरकार यही बोल रही ना। और उन EWS की फीस जो BPSC की है पूरी जनरल के बराबर है। भाई अगर आर्थिक आधार पर पिछड़ा हुआ है तो उससे फीस कम ले लो, लेकिन उसकी फीस पूरी की पूरी जनरल के बराबर 600 रुपये पे करो, है ना। जेब से कुछ नहीं देना है। रिजर्वेशन एक बड़ा अच्छा था वो है शिगुफा, छोड़ दो। अब बात आई है जातिगत आरक्षण की, जात के आधार पर ये लोग, जातिगत आरक्षण तो होता ही है, जातिगत जनगणना की। अब BJP की तरफ से मुख्य विपक्षी पार्टी वही है, वो बोल रहे हैं कि भाई केवल जाति क्यों गिनोगे, तुम उपजाति भी गिनो। अब उपजाति को गिनने से क्या है कि जो नेता जिस उपजाति का होगा वो उस उपजाति का नेता बन जाएगा। नवादा में इतने हैं हमारी जाति के, ये है हमारे, ये हमारी उपजाति के, ये हमारी उपजाति के, एक नई उपजाति निकल के आएगी वो लीडर बन जाएगा। नीतीश कुमार जी की कुर्मी उपजाति है, उसके अंदर पता चलेगा संख्या कम है तो बोलेंगे अरे कमजोर लीडर है, इनके पीछे है ही नहीं, इनकी जाति वाले, इनके समाज के लोग ही कम है। एक बिल्कुल तन के खड़ा हो जाएगा, हमारी समाज बहुत है, हम इसके नेता हो गए। तो अब ये समाज में और ज़्यादा अंदर घुस के निकालना चाह रहे हैं डेटा कि भाई कौन किस उपजाति का है, जबकि CM की तरफ से साफ साफ बोल दिया गया केवल डेटा कलेक्शन जो होगा जाति का होगा। जाति का होना एक तरह से सही भी है क्योंकि जो आरक्षण है वो जाति के आधार पर है। तो जो भी स्कीम्स बनी हैं OBC के लिए इतना परसेंट, इसके लिए इतना परसेंट, मान लीजिए हम कह रहे हैं पटना में एक नया हाउसिंग सोसाइटी बने, फ्लैट्स बना के पटना नगर निगम बेचे, उसमें रिजर्व कर देगा SC ST के लिए ये है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए ये, OBC वगैरह के लिए इतने। तो EWS के लिए डाटा यूज हुआ है कि नहीं, किसी सेंसस सर 11-7 हुआ था लेकिन पब्लिश नहीं किया गवर्नमेंट ने। तो जब तक डेटा पब्लिश नहीं करोगे आप तब तक फिर क्या मतलब है उस डेटा का होने का। कास्ट सेंसस देखिए केंद्र सरकार के लेवल पे 1931 की रिपोर्ट में वो पब्लिश हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। लेकिन इसके अलावा दो राज्य, एक कर्नाटक था, एक और कोई राज्य है, उसने भी जातीय जनगणना कराई। एक ने जातीय जनगणना कराई, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आई कि लोग को पता ही नहीं था उनकी जाति क्या है और उपजाति क्या है। पूछा जाए जाति बता देते थे, उपजाति तो नोट हो गया उपजाति में, तो वो कुछ सब गड़बड़ हो गया। तो गड़बड़ हो गया तो इसलिए पब्लिश नहीं किए। दूसरे ने कर भी लिया बिल्कुल सही सही, लेकिन जो रिपोर्ट बन के आई फाइनल जो कंटेंट लगा उसे लगा कि अगर पब्लिश कर देंगे तो हमारे ही ये राजनीतिक हित के लिए बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हम खुद मेजोरिटी में, ये सामने आता ही हमारी ऐसी तैसी हो जाएगी। तो उसने जानबूझ के पब्लिश नहीं किया। तो दो बार राज्यों ने ट्राई किया लेकिन ये पब्लिश नहीं हो पाया, है ना। अभी भी सरकार कलेक्ट कर रही है बट पब्लिश नहीं कर रही। ये लोग का मेन मांग यही है। अक्सर आप ये स्लोगन सुनते होंगे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जो रिजर्वेशन की लोग बात करते हैं। लेकिन इसमें मुझे एक प्रॉब्लम ये दिखती है
मान लीजिए ओबीसी 52% है, एससी मान लीजिए 3% है, 30% है जनसंख्या, ऐसे ही बस जोड़ के बोल रहे हैं, उतना उतना अगर रिजर्वेशन उनको दे दोगे तो जो बाकी वाला बचा वो सवर्ण हो जाएगा, सवर्ण के लिए फिर उतनी सीटें फिक्स कर दो बचेगा क्या, जिसकी जितनी संख्या हो उसका उतना रिजर्वेशन, तो ओपन सीट नाम की कोई चीज़ रहेगी नहीं, इसमें सवर्ण जाएंगे, इसमें ओबीसी जाएंगे, इसमें एससी जाएंगे, मतलब पूरे देश की जनसंख्या के हिसाब से सीटों को बंटवारा हो गया, कहानी खत्म, ओपन ओपन सीट कुछ नहीं है, तुम ओबीसी हो तो ओबीसी में फॉर्म भरो, एससी हो तो एससी में फॉर्म भरो, और सवर्ण में हो तो सवर्ण में फॉर्म भरो, सबका फिक्स हो जाएगा, है ना। तो अल्टीमेटली फायदा क्या इससे, समाज के कुछ वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए आपने रिजर्वेशन दिया है, लेकिन रिजर्वेशन उनकी जनसंख्या के अनुपात में नहीं होना चाहिए, जितनी जनसंख्या वही अनुपात हो, आप समझ रहे हैं, अगर कोई 54% है तो उसको रिजर्वेशन दे दो 27%, कोई 30% है तो रिजर्वेशन दे दो 15%, जिससे कि आधी सीटें बची तो रहें, जिसमें सब लोग कंपीट कर सके, ओबीसी वाला भी, एससी वाला भी, कोई भी। आप चाहो कि उस परसेंटेज के हिसाब से फ्रीज कर दिया जाए आपका रिजर्वेशन, तो जो बचेगा वो ऑटोमेटिकली उसके लिए फ्रीज हो जाएगा, जो उसमें फ्रीज नहीं हो पाया वो समर्ण के लिए फ्रीज हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। EWS ने बहुत ज्यादा नुकसान नहीं किया है, सवर्णों को दे दिया है 10% आरक्षण, है ना, 7.5% होना चाहिए था। फिर अगर आधी सीटें आपको खाली रखनी है, पूरे जो ओपन सीट्स हैं उसमें, तो रिजर्वेशन क्या है, आधा जाना चाहिए भाई। 52% जनसंख्या थी मंडल कमीशन के हिसाब से ओबीसी की, तब उन्होंने कितना रिकमेंड किया, 27%, लगभग आधा, 26 मान लीजिए, है ना। तो यही होना चाहिए क्राइटेरिया, कि जितनी जिसकी जनसंख्या है उसका लगभग आधा उतने प्रतिशत वाइज मिले। तो अब सवर्णों की जनसंख्या भी तो इसी से पता चलेगी, कास्ट बेस्ड सेंसस करा लो पूरे देश का, पता चल जाए कौन कितना क्या है, उसके हिसाब से रिजर्वेशन का जो परसेंटेज है कम ज़्यादा कर लो, तभी ना सही होगा। अब ऐसे ही आधा अधूरा हवाबाजी में करते रहोगे तो काम नहीं चलेगा। सोचिए 1990 की रिपोर्ट बन रही है, 1931 का डेटा ले रहा है, आज़ादी से पहले का, तो क्या क्या मतलब है इसका, है कि नहीं। तो या तो जातिगत आधार पे आरक्षण ही मत रखो, तो फिर जात से रिलेटेड डेटा कलेक्ट ही मत करो, जाति जनगणना की आवश्यकता ही खत्म हो जाती है। केवल आर्थिक आधार पे है तो आर्थिक डेटा ले लो, अगर आर्थिक आधार पे भी नहीं देना है तो वो भी लेना छोड़ दो। लेकिन अगर ये रियलिटी है कि हमारे देश में जात के आधार पे आरक्षण है, आप चाह रहे हो कि समाज के कुछ वंचित लोग ऊपर उठें, उनके लिए स्कीम बनाई जाए, तो डेटा कलेक्शन कहीं से गलत नहीं है। डेटा कलेक्शन तो बिल्कुल सामान्य सी चीज़ है, उसके बेसिस पे आप क्या करते हैं वो सही गलत हो सकता है। डेटा कलेक्शन तो सिंपल डेटा कलेक्शन है, अभी हम यहाँ पता कर ले कौन किस समाज से आता है, कौन किस जाति का है, कितने लोग हमारे यहाँ पढ़ते हैं, डेटा कलेक्ट कर लिया हमने, क्या होगी। में जनगणना होती है दशकीय वाली, जो 2021 में नहीं हो पाई है अभी तक, 1881 से लेके आज तक, या हर 10 साल में होती आई, 2021 में नहीं हुई, किस वजह से, कोविड की वजह से, और 2021 के बाद नहीं हुई क्योंकि सरकार की वजह से, केंद्र सरकार साफ साफ दोषी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सारी एक्टिविटीज चल रही है, बस जनगणना नहीं चल रही है, ठीक है ना। जबकि इस बार की जनगणना में इन्होंने क्या किया था, 2022 में जो रूल्स थे जनगणना के, सेंसस रूल्स बोलते थे, उसमें संशोधन किया और बोला कि डिजिटली भी कलेक्ट कर सकते हैं डेटा, मतलब कोई नोटपैड लेके जाए, टैब लेके जाए घर पे, नाम वाम वगैरह नोट करना है, इलेक्ट्रॉनिकली कैप्चर कर लो आप, चाहे तो आधार से रिलेट करके कैप्चर कर लो आप, पेपर फॉर्म में भी और पेपरलेस फॉर्म में भी दोनों कलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा एक रूल था। दूसरा है कि ज़रूरी नहीं कि हमारे घर पे जाके लोग मेरा डेटा कलेक्ट करें, अगर हम चाहते हैं कि हम खुद अपनी स्वेच्छा से डेटा कलेक्ट करवा लें, तो उसका भी प्रावधान था कि अगर हम सेल्फ एन्यूमरेशन करना चाहें, अपनी खुद जनगणना करा के देना चाहें, तो हम ये भी दे सकते हैं, ऐसा दो चेंजेस किए गए थे इस रूल में। तो देखिए इसमें लिखा होगा, अच्छा नहीं इसमें नहीं लिखा है, 2022 में जो सेंसस रूल्स थे, नोट कर लीजिए, सेंसस रूल्स 1990, जनगणना के जो कानून हैं, जनगणना के जो नियम हैं, 1990 में बने थे सेंसस रूल्स 1990, इसको 2022 में संशोधित किया गया, इसमें दो संशोधन किए गए हैं। पहला संशोधन ये है कि जो डेटा है इसका कलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किया जा सकता है, और दूसरा संशोधन ये है कि सेल्फ एन्यूमरेशन हो सकता है, जो व्यक्ति, जो रिस्पोंडेंट है, जिसकी गणना की जा रही है, लोग अपना डेटा खुद
सबमिट कर सकते हैं, दे सकते हैं, घर पे जाने की उनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। दूसरा एक और डेटा नोट कर लीजिए अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो, 2011 में जो डिस्ट्रिक्ट थे हमारे देश में, टोटल जिलों की संख्या थी 640, जो बढ़ के 2021 में 736 हो गई। जो सब डिस्ट्रिक्ट होते हैं इनकी संख्या थी 5925, 5925, जो बढ़ के 6754 हो गई, 6754। और जो गांवों की संख्या थी ये सरप्राइजिंगली घट गई, गांवों की संख्या 2011 में थी 640934, ये संख्या घट के हो गई है 639083। अब ये समझ लीजिए कि 2020 में जब कोविड आया तो राज्यों के पास ये गिनती नहीं थी कि इनके कितने लोग प्रवासी हैं, कितने बाहर हैं, कितनी जनसंख्या है, इनको ये भी आइडिया नहीं था कि कितने लोगों का हम इंतजाम करने वाले हैं खाने पीने रहने का, क्योंकि डेटा ही नहीं था इनके पास। 2011 का डेटा था, वो भी कितने बाहर, क्या अपडेटेड नहीं, कैसे जनगणना हो रही, तो फिर वो अच्छे से प्लानिंग नहीं हो पाई ना, न केंद्र सरकार के लेवल पर न राज्य सरकार के लेवल पर। तो इसलिए सेंसस डेटा का अपडेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे उस पर भी कुछ नंबरिंग करके छोड़ देंगे, जैसे 20 नंबर इसको दे दिया, 21 दे दिया, कोई दूसरे बने घर को 22 करके आगे बढ़ गए, तो बीच में अगर दूसरा घर कभी बनता है किसी का तो 20A, 20B, 20C, 20D के नाम से दे देंगे, इस टाइप का करने वाले हैं। तो अभी केवल घरों की संख्या को काउंट किया जा रहा है, 21 जनवरी तक यही होना है, इसके बाद जो अप्रैल में होगी जनगणना उसमें फिर वो डेटा कलेक्ट करेंगे, कौन किस जाति का है, किसके कितने फैमिली मेंबर है, उसमें से कौन कितना कमाता है, सामाजिक स्थिति देखी जाएगी, आर्थिक स्थिति देखी जाएगी, ठीक है ना। तो बिहार में भी जातीय जनगणना जो होने वाली है उसको दो चरणों में किया जाना है। अब जनगणना शब्द को लेकर भी क्वेश्चन उठ सकता है, क्योंकि देखिए हमारे संविधान में व्यवस्था है शेड्यूल 7 में कि राज्यों की एक सूची है, संघ की सूची है, एक समवर्ती सूची है, कौन क्या काम करेगा डिफाइंड है। तो जनगणना जो आती है वो 69 नंबर पर आती है यूनियन लिस्ट में, संघ सूची में, मतलब जनगणना करने की जिम्मेदारी किसकी हुई, केंद्र सरकार की। 69 सीरियल नंबर पे संघ सूची में मिलेगा आपको जनगणना, सेंसस। तो यहाँ जो करा रहे हैं राज्य, इसको ये जानबूझकर जनगणना नाम से थोड़ा सा अलग करना चाह रही है, ये बोल रहे हैं कास्ट बेस्ड सर्वे, जाति आधारित सर्वेक्षण सर्वे, है ना। इससे पहले भी जिन राज्यों ने कराया उन्होंने बोला था यही सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण, वो जनगणना वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं। तो नॉर्मली जो मार्केट में जो चल रहा है या डिबेट में या इसमें प्रिंट वगैरह मीडिया में आपको मिलेगा जाति जनगणना, लेकिन सरकार की तरफ से आप देखेंगे कास्ट बेस्ड सर्वे की बात की जा रही है ना, कि हम सर्वे कर रहे हैं जिसमें हम जातियों का डेटा कलेक्ट करेंगे और भी कुछ कुछ चीज़ें हम कलेक्ट करने वाले हैं, ऐसा उनका कहना है, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि 2024 के चुनाव से पहले जनगणना का काम कंप्लीट नहीं होना है, उसके बाद होगा तो देखिए कब तक जाता है, कब तक डेटा आ पाता है हमारा। इसमें देखिए पहले चरण में आवास की गणना होती है और दूसरे चरण में फिर शिक्षा, धर्म, आर्थिक गतिविधि, अनुसूचित जाति जनजाति, भाषा, साक्षरता, प्रवासन और प्रजनन क्षमता पर डेटा एकत्र किया जाता है। अभी तक जितनी जनगणना हुई है उसमें SC ST से रिलेटेड डेटा पब्लिश होता है, केवल OBC का डेटा जो था गवर्नमेंट पब्लिश नहीं कर रही थी। तो इस बार मेन फोकस जो बिहार में जाती जनगणना पे है किससे है, ये अन्य पिछड़ी जातियों की भी संख्या हमें पता चले, क्योंकि ये केंद्र की जनगणना से तो हमें पता चल जाता है कितने SC ST कहाँ पर हैं, है ना। और हमने पहले ही बताया कि एक जनगणना हो गई, दूसरी होनी है, उससे पहले क्या है कि सीमाओं को फाइनलाइज कर देना है, निर्धारित कर देना है, स्थिर कर देना है, उसके 3 महीने के गैप के बाद ही फिर ये जनगणना के काम शुरू होता है, उस बीच में नहीं कर सकते। जनगणना जिस कानून के अंतर्गत होती है उसको बोलते हैं सेंसस एक्ट 1948, 1948 का जनगणना अधिनियम। इस कानून में ये कहीं नहीं लिखा है कि जनगणना किस डेट तक पूरी हो जानी चाहिए, है ना। जैसे बोले कि 2021 की जनगणना है तो 2022 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए या 1.5 साल में पूरी हो जानी चाहिए, ऐसा कोई अवधि या ऐसी कोई डेट निर्धारित नहीं है। तो जब निर्धारित नहीं है तो सरकार को आज़ादी है, करे न करे, टालती रहे, बोले कर रहे हैं, वही चल रहा है इस समय। अगर सरकार चाहता कि मतलब कानून चाहता कि इनको एक पर्टिकुलर डेट तक, एक पर्टिकुलर समय में कर देना है काम, तो इनकी मजबूरी होती,
लेकिन अभी ऐसी कोई मजबूरी जैसा नहीं है, इसीलिए बार बार ये डेट इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और जो अगली जनगणना होनी है वो डिजिटल मोड में भी होगी और पेपर फॉर्म में भी होगी, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप बॉर्डर कभी भी डिसाइड कर सकते हैं, मतलब मान लीजिए एक ज़िला बना 2019 में, एक नया ज़िला घोषित हो गया, तो उसके बॉर्डर तो डिफाइन हो गया उसी समय। बात यह है कि जनगणना मान लीजिए अभी हम शुरू कर दिए आज से, इस बीच में कोई नया ज़िला वगैरह बना या पिछले महीने कुछ बना होगा, तो उसका बॉर्डर सही से डिसाइड है कि नहीं है ये सब कर लेना है, पहले इस प्रोसेस को ख़त्म कर देना है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कि ये सारे बॉर्डर डिसाइड हो गए। उसके बाद 3 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड भी है कि अगर कुछ रह गया होगा तो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जनगणना स्टार्ट करेंगे, जिससे कि हमारे पास जो डेटा आएगा उसमें डिस्क्रिपेंसी नहीं रहेगी किसी भी आधार पर, गाँव की, शहर की, सबकी, तहसील वगैरह की, सबकी वो बॉर्डर जो होगा डिसाइडेड होगा, पहले से फाइनल हो चुका होगा। केंद्र सरकार देती है राज्यों को कि हम जनगणना शुरू करने वाले हैं तो आप इस डेट तक इसको कंप्लीट कर लेना, तो यही डेट बार बार बढ़ाई जा रही है। तो अब जब बढ़ रही है डेट, 30 जून हो गया है, कानून कहता है कि 3 महीने का गैप देना है, तो पक्की बात है कि 1 अक्टूबर से पहले शुरू नहीं हो पाएगा, है ना। इकोनॉमिक बेस्ड नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट होती हैं, आप देखें ना। आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं कि जनगणना की बात कर रहे हैं? अगर जनगणना नहीं होगी जाति धर्म के आधार पे, तो हम कैसे बताएंगे कि भारत में कितने मुसलमान हैं, कितने हिंदू हैं, कितने सिख हैं, कितने ईसाई हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा क्यों जरूरी है कि इस व्यक्ति से हम इनके, क्योंकि डेवलपमेंट चाहता है कोई भी देश कि आप हमारे नागरिक का डेवलपमेंट हो जाए, तो उसके लिए हम इकोनॉमिकली क्यों नहीं सिर्फ मतलब सर्वेक्षण करते हैं, उसकी जाति को क्यों लाना है? क्या ये इससे राजनीति करने का ये है क्या एक जरिया, जिसको हम ऐसे क्यों नहीं कह, हम सरकार पे आरोप क्यों नहीं लगाएं कि आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए जाति जनगणना कराना चाहते हैं? देखिए, आपको रिजर्वेशन देने के लिए, मान लीजिए शेड्यूल्ड कास्ट बोलते हैं हम, इसका क्या मतलब होता है? शेड्यूल्ड कास्ट का मतलब होता है वो कास्ट जो हमारे संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के एक पर्टिकुलर शेड्यूल्ड में लिस्टेड है कि ये शेड्यूल्ड कास्ट कहलाएगी, ठीक। फिर जो भी स्कीम बनती है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, वो जो जाति लिस्टेड है वहाँ के सारे लोग उस स्कीम का फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है ना। सुनिए मेरी बात, तो जैसे BPSC का फॉर्म भरा जाए और उसमें बोला जाए कि SC ST के लिए फॉर्म फ्री है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि SC ST कौन है। तो SC ST कौन है? शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पर्टिकुलर शेड्यूल में लिस्टेड है, हम जान गए कि वहाँ हमारा नाम है, ठीक है ना। अब बात यह है कि उस लिस्ट को अगर अमेंड करना है, संशोधन करना है, एक दो जातियों को उसके अंदर डालना है, या उनमें से कुछ समृद्ध हो गए उनको बाहर निकालना है, कुछ ऐसा अगर करना है, तो उसके लिए आपके पास डेटा की बैकिंग होनी चाहिए ना। जब तक आप जाति को उनके आर्थिक आधार पर या समाज के स्टेटस पर लिंक नहीं करेंगे, आप कभी नहीं बोल सकते कि ये समृद्ध हो गए हैं या इनको आवश्यकता है। रिजर्वेशन इस देश की सच्चाई है, और जाति के आधार पर इसीलिए किया गया क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन भी जाति के आधार पर किया गया है। लेकिन अब बात यह है कि जो लोग पहले से उसमें हैं, देखना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कि वो समृद्ध हो चुके हैं उसके बाद भी फायदा उठा रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो रिजर्वेशन से बाहर हैं लेकिन उनको ज़रूरत है। तो इस डेटा को मॉडिफाई करने के लिए ज़रूरी है कि आप ऐसा सेंसस इकट्ठा करें, पहली चीज़। दूसरा, जो स्कीम्स बनी हुई हैं, मान लीजिए SC के लिए बनी हुई हैं, और हम उस लिस्ट में छेड़छाड़ नहीं करना चाह रहे हैं, हम वही लिस्ट मानेंगे जो पहले से बनी हुई है, हम नहीं चाह रहे उसमें से कोई अंदर बाहर आए, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए ना कितने हमारे SCs हैं, कितने ST हैं, कि अगर उनके लिए हम स्कीम बना रहे हैं तो कितना हमारा खर्चा आएगा, हम बजट को किस तरीके से अलॉट करेंगे, एलोकेट करेंगे, इसके लिए भी वो डेटा ज़रूरी है।